Swayam Prabha, Digital India, Educated India. नमस्कार प्रिय छात्रों मैं एक बार फिर से आपके सामने इस सत्र को लेकर उपस्थित हूँ जिसमें हमारा ये कोर्स टाइटल है फाउंडेशंस ऑफ साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस और इसका आज चौथा लेक्चर लेक्चर नंबर फोर जिसका टाइटल है सेंसरी प्रोसेसेस यानी संवेदी प्रक्रियाएं तो इसके बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे और इससे जुड़े हुए कुछ हम तथ्यों का अध्ययन करेंगे और साथ ही साथ दो महत्वपूर्ण जो सेंसरी अंग हैं हमारे संवेदी अंग हैं हमारे संवेदना के जो महत्वपूर्ण अंग हैं एक ह्यूमन आई यानी मानव आँख और एक ह्यूमन ईयर यानी कि मानव कान इन दोनों की संरचना तथा इनसे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में भी हम लोग आज अध्ययन करेंगे अपने इस सत्र में तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस सत्र में और अब हम अपने जो आज का हमारा विषय है उसके उसकी चर्चा शुरू करते हैं यहाँ से सर्वप्रथम हम लोगों को ये समझने की आवश्यकता है कि जो संवेदना की जो प्रक्रिया है वो उसका हमारे लिए क्या महत्व है या वो प्रक्रिया क्या है और इसके लिए सर्वप्रथम हमें उसकी परिभाषा को जानने की या समझने की ज़रूरत है तो संवेदना असल में हमारे उस प्रक्रिया को कहा जाता है जिसमें वातावरण से आ रहे लगातार जो भी स्टूमुलस हैं यानी उद्दीपक हैं या किसी भी फॉर्म में जो एनर्जी जो हम रिसीव करते हैं जो इनपुट के तौर पे हमारे पास निरंतर प्राप्त हो रही है उन सभी सूचनाओं को हमारे सेंस ऑर्गन्स यानी हमारे जो रिसेप्टर सेल्स हैं उनके मदद से हम उसको रिसीव करते हैं तो जो भी इनपुट आ रहा है जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है उसको रिसीव करना रिसेप्टर सेल्स की मदद से ये हमारा संवेदी या संवेदना का जो प्रक्रिया है वो कहलाता है यानी इसको अगर हम फिर से परिभाषित करें तो वातावरण से प्राप्त हो रही सूचनाओं को या एनर्जी को रिसीव करना यानी उसको प्राप्त करना अपने सेंसरी रिसेप्टर्स की मदद से उस प्रक्रिया को संवेदना कहते हैं तो इस तरह से जो संवेदना की जो प्रक्रिया है उसके द्वारा हम अपने वातावरण में चल रही जितनी भी प्रकार की जो भी गतिविधियां हैं या जिस भी प्रकार के उसमें उद्दीपक आ रहे हैं चाहे वो रोशनी के स्तर पे हों या चाहे वो साउंड के स्तर पे हों या चाहे वो स्मेल के स्तर पे हों इस प्रकार से जितने भी हमारे इस वातावरण में जो भी संवेदनाएं या कहिए कि जो भी उद्दीपक हमारे पास आ रहे हैं जो भी हमारे आसपास घटित हो रहा है उन सभी को हम अपने मस्तिष्क तक पहुँचाने के लिए जो ये प्रक्रिया है जिससे कि हम उसको पहले रिसीव करते हैं और उसके बाद उसको मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं तो उस बीच की जो प्रक्रिया है उसको रिसीव करने की जो प्रक्रिया है वो सेंसेशन है यानी संवेदना अब इसमें सेंसरी रिसेप्टर्स का बहुत बड़ा रोल है क्योंकि जो संवेदी सूचनाएं आ रही हैं वो जिस प्रकार से हमें रिसीव हो रही हैं यानी फिजिकल एनर्जी के फॉर्म में तो फिजिकल एनर्जी जिस फॉर्म में हमें प्राप्त होती है वो हुबहु उसी स्तर पर केवल उसको सेंसरी रिसेप्टर्स ही रिसीव कर सकते हैं क्योंकि वो उसके लिए स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं यानी ये उनकी एक विशेष आप कह सकते हैं काबिलियत है जिसमें कि वो इस प्रकार की जो सूचनाएं आ रही हैं जो फिजिकल स्टिमुलस आ रहा है वो उसको प्राप्त करने के लिए या उसको रिसीव करने के लिए उसको ग्रहण करने के लिए उनके अंदर स्पेशलाइज्ड मैकेनिज्म है उनका इस तरह की उनकी संरचना है कि वो उसको रिसीव कर सकते हैं और इसके साथ ही साथ जो उनका एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य होता है वो है ट्रांसडक्शन की प्रक्रिया को पूर्ण करना यानी ट्रांसड्यूस का मतलब होता है कि किसी एक फॉर्म की एनर्जी को जब हम दूसरे फॉर्म में बदलते हैं यानी इस इस अगर हम केस की बात करें जो ह्यूमन सेंसेशन है यदि उसकी हम बात करें तो उसमें जो प्राप्त हो रही फिजिकल एनर्जी है यानी जो भौतिक रूप से जो एनर्जी हमारे पास आ रही है उन सभी को हम अपने सेंस ऑर्गन्स यानी जो उसमें मौजूद स्पेशल रिसेप्टर सेल्स हैं उनकी मदद से हम उनको बदलते हैं न्यूरल एनर्जी में यानी जो भौतिक एनर्जी हम रिसीव कर रहे हैं उसको हम भौतिक एनर्जी में बदलते हैं और इस प्रक्रिया को ट्रांसडक्शन की प्रक्रिया कहा गया है और इसको समझने के लिए हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे रोशनी जब हमें दिखती है या जब रोशनी को हम ग्रहण करते हैं तो उसके लिए हमारे जो सेंस ऑर्गन जो आई जो जिम्मेदार है उससे हम उसको रिसीव करते हैं और प्राप्त करने के बाद उस सूचना को कन्वर्ट करना क्योंकि वो सूचना हमें अभी भी लाइट के फॉर्म में यानी जो उसका फिजिकल फॉर्म है जो उसकी वो है लाइट और लाइट को डायरेक्टली हम जब रिसीव करते हैं तो उसी तरीके से यदि वो मस्तिष्क के पास पहुंच जाएगी तो उसका कोई भी अर्थ हमारा मस्तिष्क नहीं निकाल पाएगा तो इस कारण से उस प्रक उस पूरी एनर्जी को जो लाइट के फॉर्म में हमें रिसीव हुई है उसे चेंज करना होता है न्यूरल एनर्जी में यानी एक ऐसी एनर्जी में एक ऐसे सिग्नल में जो हमारा मस्तिष्क आसानी से उसको समझ सके और वो हमारा मस्तिष्क इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को यानी न्यूरल सिग्नल्स को समझता है क्योंकि उसके अंदर जो मौजूद न्यूरॉन हैं वो न्यूरॉन में ही सारी सूचनाएं पहुंचती हैं और उसी में उसकी प्रोसेसिंग होती है तो मस्तिष्क में मौजूद जो न्यूरॉन है वो केवल न्यूरल सिग्नल्स को यानी इन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को स्पेसिफिक सिग्नल्स को ही समझ पाते हैं या उसका अर्थ निकाल पाते हैं तो ऐसे में ब्रेन के पास जो सूचना पहुंच रही है वो फिजिकल एनर्जी के फॉर्म में नहीं होती वो फिजिकल एनर्जी को कन्वर्ट करके न्यूरल एनर्जी में उसके बाद हमारे मस्तिष्क तक पहुंचती है तो इस पूरी प्रक्रिया में जो इस रिसेप्टर सेल्स हैं उनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है और वो योगदान ये है कि वो इस आ रही बाहर से आ रही जो भी इनपुट वाली सूचनाएं हैं फिजिकल एनर्जी के फॉर्म में उनको कन्वर्ट करना इनटू न्यूरल एनर्जी तो इस प्रक्रिया को ट्रांसडक्शन कहते हैं और हमारे सेंसरी रिसेप्टर सेल्स ये महत्व महत्वपूर्ण प्रक्रिया को ये पूरा करते हैं इसके बाद हमारे लिए कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो हमें यहाँ समझने हैं आज संवेदना से संबंधित जो सेंसेशन की जो प्रक्रिया है उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो हम आज इनकी चर्चा यहाँ पर करेंगे आ, उसमें हमें उसके पहले थोड़ा सा पहले एक और बिंदु को समझना होगा कि हमारे पास लगातार बहुत सारे ऐसे आ, सेंसरी इन्फॉर्मेशंस हैं जो हमारे पास लगातार आ रही हैं और हम हम बार बार उनसे हमारा सामना हो रहा है अगर इसको हम और थोड़ा सा आसान तरीके से समझना चाहें तो इवन हम कंटिन्यूसली हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास इनफाइनाइट बहुत अधिक मात्रा में स्टूमलस यानी फिजिकल एनर्जी हम बार बार उसको हमसे हमारा उससे सामना हो रहा है और इसका एक उदाहरण हम इससे भी समझ सकते हैं कि हमारा जो कपड़े हम पहनते हैं इवन अपने शरीर पे उन कपड़ों का हमारे स्किन से जो टच होता है बार बार जो टच हो रहा है वो भी हमारे लिए एक सेंसेशन के स्टूमलस की तरह है तो इस प्रकार से ऐसे अनगिनत स्टूमुलस का सामना हम लगातार निरंतर करते रहते हैं अपने अपने पूरे दिनचर्या में तो इससे हमारे लिए ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि हम इतने ज़्यादा स्टूमुलस यानी इतने ज़्यादा उद्दीपकों से घिरे हुए हैं इतना ज़्यादा हमारे पास इनपुट आ रहा है कि इस अवस्था में हमारे सिस्टम को हम ये मान सकते हैं कि शायद वो ओवरलोडेड हो जाता और वो ओवरलोडेड हो भी जाए अगर कुछ ऐसी प्रक्रियाएं हैं जो हमारा जिससे सेंसेशन की जो प्रक्रिया है उसका बैलेंस बना रहता है वरना यह होगा कि इतनी ज्यादा मात्रा में इतनी अधिक सूचनाएं हमें मिलेंगी कि हम उसके अंदर आप यूं कहें कि उसके अंदर गोता लगाएंगे और हम किसी भी बात का कोई अर्थ नहीं निकाल पाएंगे इतनी ज्यादा सूचनाओं से हम ढक जाएंगे तो इस कारण से हमारे अंदर एक काबिलियत है एक कैपेसिटी है और वो कैपेसिटी है सेंसरी थ्रेशोल्ड की उसको पहचानने की या उसको उसको जब तक वो एक पर्टिकुलर एक ऐसी मात्रा तक वो स्टूमलस ना पहुंच जाए तब तक हमारा ध्यान उसकी तरफ नहीं जाता या यूं कह लें कि वो हमारे लिए तब तक रेलेवेंट या वो हमारे लिए किसी अर्थ का नहीं है और इसीलिए हम उसको इग्नोर कर देते हैं उसको छोड़ देते हैं और ऐसे में ही हम ये तय कर पाते हैं कि कौन सी सूचनाएँ हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं कौन से स्टूबुलस हमारे लिए ज़रूरी हैं तो आइए इसको हम लोग थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करते हैं संवेदी थ्रेशोल्ड में जो एक एक अवधारणा है जो एक कॉन्सेप्ट है वो है सेंसरी डिप्राइवेशन की तो सेंसरी डिप्राइवेशन की कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हमारे मस्तिष्क को और खुद कह लीजिए हमें ही एक मनुष्य के तौर पर इतने ज्यादा स्टूमुलस को फेस करने की और उनसे यूं कह लीजिए कि घिरे रहने की और उनसे हमको लगातार उनका इनपुट मिलने की इतनी आदत हो चुकी है कि ऐसे में लगातार जो स्टुम्बलस हमें कभी अपने आँखों के माध्यम से कभी कान के माध्यम से कभी हमारे स्किन के माध्यम से कभी हमें अपने टंग यानी जिह्वा के माध्यम से इस प्रकार से अनेकों हमारे जो सेंस के सेंस करने के जो तरीके हैं जो सेंसेशन के जो माध्यम है हमारे उनसे जो हमें सूचनाएं लगातार प्राप्त हो रही हैं उन सभी सूचनाओं का इतना ज़्यादा हमारे ऊपर यू कह लीजिए कि प्रभाव है कि जब अगर हमारी इन सभी सेंसेशंस को ख़त्म कर दिया जाए अचानक से या ये हमें इस तरह की सेंसेशंस मिलना अचानक बंद हो जाए तो हम उसको कहेंगे एक ऐसी अवस्था जहां पर हम हमें सेंसरी डिप्राइवेशन हो गया है यानी हमें किसी भी प्रकार का कोई भी एक्सटर्नल स्टिमुलस बाहरी एनर्जी से हमारा सामना नहीं हो रहा है लेकिन इस अवस्था में हमारा मस्तिष्क चूँकि उसे आदत है और वो इतना आदती हो चुका है इस प्रकार के स्टुमलस को बार बार रिसीव करने का और उनसे हम कह लीजिए कि घिरा रहने का कि हमारा मस्तिष्क इस प्रकार का जो खालीपन है जो सेंसरी डिप्राइवेशन से उत्पन्न होता है उसको पूर्ण करने के लिए वो खुद से ही बहुत सारे हेलुसिनेशंस भी जनरेट कर लेता है और ऐसे हमें एक अनुभूति होती है कि हमारे इर्द गिर्द बहुत सारा स्टूमलस मौजूद है तो ये एक प्रकार का हमारा एक अलग ही मैकेनिज़्म है जिससे हमारा ब्रेन इस प्रकार से भी कार्य करता है इसके अलावा एक और बड़ा ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट है एप्सोल्यूट थ्रेशोल्ड का और एप्सोल्यूट थ्रेशोल्ड का जो कॉन्सेप्ट है वो ये दर्शाता है कि हम किसी भी स्टूमलस को अगर हम उसको डिटेक्ट करते हैं तो वो कौन सा एक लेवल होगा उस स्टूबलस का उसकी इंटेंसिटी का जहाँ पर कि हम उसको कम से कम 50 प्रतिशत बार बिल्कुल सही डिटेक्ट कर पाएँ कि वो स्टूमलस वहां पर मौजूद है यानी कि अगर किसी स्टूमलस की मौजूदगी का हम एहसास कम से कम पचास प्रतिशत यानी आधा बार बिल्कुल सही कर पाते हैं जितनी बार वो मौजूद है उसमें से आधे समय अगर हम उसको डिटेक्ट कर पा रहे हैं या उसकी प्रेजेंस को हम भाप पा रहे हैं तब वो उस उस पर्टिकुलर स्टूमलस का या उस पर्टिकुलर एनर्जी फॉर्म का वो एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड बन जाता है और एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड हमारे लिए इस तरह से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे हम किसी भी स्टुम्बलस के होने का या उसके न होने का पता लगा पाते हैं इससे जुड़े हुए एक रोचक तथ्य के बारे में मैं आपको अवगत कराता हूं। आ, इसको हम इस तरह से भी समझने का प्रयास करें कि जैसे हम एक उदाहरण अगर लें तो हम ये मान माने अगर कि आर्मी का जैसे एक टुकड़ी है वो आर्मी की टुकड़ी अगर कहीं पर जा रही है और उसके पास एक ऐसी मशीन है जिससे वो किसी एक्सप्लोजिव को यानी जो ऐसे कोई पदार्थ हों जो कि खतरनाक हो सकते हैं विस्फोटक पदार्थ उनको अगर वो उससे डिटेक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं और वो उस अवस्था में उस मशीन को लेकर के अपने साथ उस टुकड़ी के साथ एक मान के चलते हैं आठ या दस लोगों की एक टुकड़ी है छोटी सी जिसके पास वो मशीन है और वो किसी एक एरिया में वो एक अपनी छानबीन कर रहे हैं या वो वहाँ पर एक अपनी एक एक रोज़मर्रा की एक एक्टिविटी एक कर रहे हैं ऐसे में और यदि वो ऐसे क्षेत्र में हैं जहां पर कि उनको ये भी खतरा है कि यहां पर इस तरह के विस्फोटक की मौजूदगी हो सकती है और आसपास कोई ऐसे भी लोग हो सकते हैं उग्रवादी या कुछ इस तरह के जो हथियारधारी लोग जो उन पर हमला भी कर सकते हैं मौका पड़ने पर तो ऐसी अवस्था में आर्मी के लिए अब दो बहुत महत्वपूर्ण काम हैं उस टुकड़ी के लिए वो पहला तो ये कि वो इस तरह के एक्सप्लोजिवस को डिटेक्ट करें उसको चिन्हित करें और उसको चिन्हित करने के साथ ही साथ वो अपने आसपास भी नज़र रखें ताकि उनको किसी प्रकार का कोई बाहरी हमला उन पर ना होने पाए ठीक उसी समय जब वो ये गतिविधि कर रहे हैं तो ऐसे में उनके पास जो मशीन है यूजुअली इस तरह की मशीन्स जो होती हैं वो साउंड उनके अंदर एक बीप रहता है जो कि जब भी इस प्रकार की वो कोई सपोज की कोई एक्सप्लोजिव के वो नजदीक जब वो मशीन पहुँचती है तो उसका जो बीप है उसकी बीप थोड़ी थोड़ी बढ़ने लगती है उसकी साउंड थोड़ी बढ़ने लगती है और जब वो एक्सप्लोजिव से वो मशीन दूर रहती है तो उसकी बीप थोड़ी थोड़ी घटती रहती है या यूं कह लें कि एक नॉर्मल रेंज में चलती रहती है तो ऐसे में उस टुकड़ी के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है ये समझना कि हम हमारे लिए वो बीप का कौन सा वो पॉइंट है जहाँ पर हम ये पता लगा सकते हैं कि ये बीप अब बढ़ रही है या ये बीप अब हमारे लिए जो बीप होनी चाहिए थी जितनी हमें सुनाई दे ताकि हम विस्फोटक का पता लगा सकें तो ऐसे में हमारे लिए ये समझना बड़ा क्योंकि यदि हम बीप का जो आवाज़ है उसको बहुत ज़्यादा यदि कर दें उस मशीन में तो उसकी एक ऑब्वियस समस्या है कि वो आवाज़ या वो बीप दूर बैठे किसी ऐसे व्यक्ति को भी सुनाई दे सकती है जिसकी वजह से उस टुकड़ी को या सेना को नुकसान हो सकता है तो वो ये नहीं चाहेंगे कि उस मशीन की बीप की आवाज़ बहुत अधिक हो तो ऐसे में एक सामंजस्य बिठाना कि वो बीप की आवाज़ को खुद भी समझ पाए और किसी दूसरे तक वो आवाज़ ना पहुँचे तो एक इसको उदाहरण को हम जब लेते हैं तो इसके लिए यदि हमें ये तय करना पड़े एक हमें एक्सपेरिमेंट ऐसा करना पड़े तो इसके लिए कुछ साइकोफिजिकल मेथड्स हैं जिसमें हम इस तरह की जो स्टूमलस के जो थ्रेशोल्ड पॉइंट्स हैं उनको हम इसमें निर्धारित करते हैं उसके तीन बहुत महत्वपूर्ण विधियाँ हैं जिनका हम यहाँ पर आज जिक्र करेंगे आपसे चर्चा करेंगे उसमें जो पहला मेथड है वो है द मेथड ऑफ लिमिट्स और जो पहला मेथड इसका नाम है मेथड ऑफ लिमिट्स इसमें हम एक्सपेरिमेंट के द्वारा ये स्थापित करने का प्रयास करते हैं कि अगर कोई स्टूमलस प्रेजेंट है और उसको व्यक्ति जैसे इस एक्सपेरिमेंट का थोड़ा सा रूपरेखा मैं आपको बताता हूँ कि सर्वप्रथम एक व्यक्ति को वहाँ पर बिठाया जाएगा एक्सपेरिमेंट में और यहाँ पर अगर हम साउंड का ही एग्जाम्पल लें तो साउंड में उसको एक बढ़ते हुए क्रम से आवाज़ को सुनाना शुरू किया जाएगा एक ऐसी क्रम से जहां हम ये मान के चलते हैं कि वो हमें आसानी से सुनाई दे सकती है एक थोड़ी तेज आवाज से हम शुरू करेंगे एक्सपेरिमेंट और उसके बाद हम उस एक्सपेरिमेंट में धीरे धीरे क्रमशः उस आवाज को थोड़ा थोड़ा करके कम करते जाएंगे और ऐसा और ऐसा करते करते हम एक ऐसे पॉइंट पर पहुंचेंगे जहां पर व्यक्ति कहेगा कि हाँ मुझे सुनाई दे रहा है और ठीक उसके अगली बार जब हम उस साउंड को कम करेंगे तो वो व्यक्ति कहेगा कि नहीं अब मुझे सुनाई नहीं दे रहा है मतलब कि अब मैं इसको सुनने के ये अब मेरे सुनने से क्षमता से बाहर है तो हम उस पॉइंट को नोट करते हैं इस मेथड में और वो दोनों पॉइंट्स को नोट करते हैं जब व्यक्ति ने कहा कि मुझे सुनाई दे रहा है और दूसरे बिंदु पे जब व्यक्ति ने कहा कि मुझे सुनाई नहीं दे रहा है और ठीक इसी प्रकार से हम इसका विपरीत दिशा में इसका शुरुआत करते हैं जहां पर हम आवाज़ उस बिंदु से शुरू करते हैं जहां पर व्यक्ति को कुछ सुनाई नहीं देता क्योंकि वो उसके सुनने की क्षमता से काफी कम होता है ऐसे में हम फिर क्रमशः उस आवाज़ को थोड़ा थोड़ा बढ़ाते हैं धीरे धीरे एक एक पॉइंट करके बढ़ाते हैं और फिर हम पहुंचते हैं उसी पॉइंट पर जहां पर कि एक बार व्यक्ति कहेगा कि मुझे सुनाई नहीं दे रहा है और ठीक उसकी अगली बार कहेगा कि मुझे सुनाई दे रहा है यानी मैंने आवाज़ को महसूस किया उसको मैंने सुना तो ऐसी अवस्था में फिर हम उसको नोट करेंगे उन दो पॉइंट्स को और कहीं ना कहीं अब हम ये ये मान सकते हैं या हम इसको पता लगाने के काफ़ी नज़दीक हैं कि उन ही दोनों पॉइंट्स के बीच में कहीं ना कहीं उस आवाज़ को सुनने का जो मुख्य बिंदु है जो पॉइंट है वो उसके बीच में कहीं ना कहीं उन दो बिंदुओं के दो पॉइंट्स के बीच में कहीं ना कहीं वो स्थापित है तो ऐसे में जो उस व्यक्ति का जो एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड है हम उसको डिटरमाइन कर सकते हैं और इस प्रक्रिया को लगातार कई बार किया जाता है ये केवल एक बार नहीं किया जाता ताकि कई बार जो सिचुएशनल वेरिएशन हैं या उस समय एक पर्टिकुलर किसी कारण से यदि अगर ऐसा हो गया हो तो उन सब चीजों को कैंसिल आउट करने के लिए और पूर्ण रूप से निर्धारित करने के लिए कि जो हमारी फाइंडिंग्स आ रही हैं उसको हम एवरेजिंग कर लेते हैं ताकि हम कई बार इसको इस तरह का जो ट्रायल है उसको हम कई बार रिपीट करते हैं और क्रमशः असेंडिंग ऑर्डर में और फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में यानी बढ़ते हुए क्रम से घटाते हैं और फिर घटते हुए क्रम से उसको बढ़ाते हैं तो इस प्रकार से जब हम इसको एक्सपेरिमेंट को चलाते हैं और कई ट्रायल्स होने के बाद हम उस बिंदु पर पहुँचते हैं जिसको हम ये कहते हैं कि ये एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड है इस पर्टिकुलर स्टमुलस के लिए और इस पर्टिकुलर पॉइंट पर व्यक्ति 50 प्रतिशत बार ये कहेगा कि उसको सुनाई दे रहा है और 50 प्रतिशत बार ये कहेगा कि उसको सुनाई नहीं दे रहा है तो वो उसके बीच का एक ऐसा बिंदु है तो ये एक मेथड है जिसको हम कहते हैं मेथड ऑफ लिमिट्स हालांकि इस मेथड की एक कमी है और वो ये है कि इसमें हम एक्यूरेट पॉइंट को हासिल करने में हमें थोड़ी दिक्कत आती है और हम पूर्ण रूप से पिन पॉइंट नहीं कर सकते कि वो कौन सा बिंदु है जिसको हम एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड मानेंगे लेकिन इसके बाद जो दूसरा एक मेथड है जिसको हम कहते हैं द स्टेयर केस मैथड जिसमें कि जिसका नाम सीढ़ियों के नाम पर रखा गया है और ऐसे में हम क्या करते हैं कि इस प्रकार के इस मेथड में हम एक व्यक्ति को बुलाते हैं और उसको हम ये कहते हैं कि आप आवाज को हम उसको सुनाना शुरू करते हैं अगर इसमें हम उदाहरण ले रहे हैं तो हम उसको घटते हुए क्रम में ही ले लेते हैं तो हम व्यक्ति को एक आवाज़ सुनानी शुरू करेंगे और आवाज़ सुनाने के बाद हम उसको क्रमशः घटाते जाएंगे इस मेथड में जो स्टेयर केस है इसमें इस हम सबसे पहले अगर हम सपोज डिसेंडिंग ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं अपने एक्सपेरिमेंट में हमने शुरुआत वहाँ से की तो सर्वप्रथम हम एक आवाज़ लेंगे जो कि थ्रेशोल्ड से काफ़ी ऊपर होगी और उसके बाद हम उसको क्रमशः घटाते जाएंगे और घटाते 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 हम कहीं ना कहीं एक ऐसे पॉइंट पर आ जाएंगे जहाँ पर कि वो व्यक्ति ये कहेगा कि नहीं अब मुझे यहाँ पर सुनाई नहीं दे रहा है परंतु जैसा पिछले मेथड में हम ये कर रहे थे कि वहाँ पर एक ऐसा ट्रायल होने के बाद जिस बिंदु पर वो ये कहता है कि मुझे सुनाई नहीं दिया और दूसरे बिंदु पर कहता है कि मुझे सुनाई दिया तो यहां पर हम उस ट्रायल को बंद कर देते हैं परंतु इस मेथड में हम उस ट्रायल को बंद नहीं करते और बल्कि हम उसमें जब वो व्यक्ति कहता है कि अब मुझे सुनाई देना बंद हो गया क्योंकि हम इसमें बढ़ती हुई आवाज़ को घटा रहे थे तो जब हम दोबारा से उसको घटाते हैं और उस उस बिंदु पर पहुंच जाते हैं जहां वो व्यक्ति ये कहता है कि मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है मुझे आवाज़ सुनाई नहीं दी तो वहां से हम वापस आते हैं और वापस आते वक्त हम ये निर्धारित करने की कोशिश करते हैं कि वो व्यक्ति कहां पर ये कहता है कि मुझे सुनाई दिया तो इस प्रकार से हम उसके उस पिन पॉइंट को पकड़ने की कोशिश करते हैं जहां पर कि वो व्यक्ति ये कह रहा है कि मुझे इस उद्दीपक का या इस स्टूमलस का आभास हुआ अगर हम यहां पर साउंड की ही बात कर रहे हैं तो वो कहेगा कि मुझे ये आवाज़ सुनाई दी तो ऐसे में इस मेथड का जो एक एडवांटेज है वो ये है कि इसमें हम ज़्यादा एफिशियंटली उस पॉइंट को केंद्रित कर पाएंगे जो पॉइंट ये निर्धारित करेगा कि इस पर्टिकुलर स्टूमुलस का एब्सोलूट थ्रेशोल्ड क्या है इसके अलावा एक और विधि है जो तीसरी विधि है और वो विधि है जिसका नाम है द मेथड ऑफ कॉन्स्टेंट स्टमलाई और इस विधि में जो एक और बहुत जो एक, इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है वो ये है कि इसकी एफिशिएंसी बाकी दोनों विधियों से बहुत ज़्यादा है परंतु इसके साथ एक ड्रॉबैक भी है इस विधि का और वो ड्रॉबैक ये है कि इस विधि में हमारे पास समय जो है वो काफ़ी जाता है और इसमें एफर्ट बहुत ज़्यादा लगता है और उसका कारण ये है कि इसमें जो एक्सपेरिमेंटर है वो पहले से बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज को अगर हम साउंड का ही उदाहरण फिर से लें तो उसको ये निर्धारित करना पड़ता है कि ऐसे कौन कौन से साउंड के पॉइंट्स हैं जिनको कि हम अपने एक्सपेरिमेंट में रखें जिनको हम कहीं ना कहीं बहुत नज़दीक मानते हैं एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड के तो ऐसे में इनको रैंडमली इस तरह की जो साउंड्स हैं उनको पहले वो एक्सपेरिमेंटर अपने पास अपने पास यूँ कह लीजिए कि उसको निर्धारित करके रख लेते हैं सेलेक्ट करके रख लेते हैं और उसके बाद वो पार्टिसिपेंट को उनको रैंडम ऑर्डर में सुनाना शुरू करते हैं कभी ज्यादा कभी कम कभी कम कभी ज्यादा वो ऑर्डर एक जैसा नहीं रहता इस वजह से जो व्यक्ति है उसके अंदर ये टेंडेंसी डेवलप नहीं होती कि उसको यस लगातार यस बोलना है या लगातार नो बोलना है उसको हर एक्सपेरिट हर ट्रायल में हर उसको प्रयास में बार बार उसको यह ध्यानपूर्वक देखना होता है या रिप्लाई करना होता है कि उसने उस आवाज़ को सुना या नहीं सुना तो ऐसे में बार बार जब वो रैंडमली प्रेजेंट होते हैं तो ऐसे में कई बार के कई ट्रायल्स के बाद हम उसके बाद ये निर्धारित कर पाते हैं कि वो कौन सा बिंदु था वो कौन सा पॉइंट था जिसको व्यक्ति ने 50 प्रतिशत बार डिटेक्ट किया और 50 प्रतिशत बार उसको डिटेक्ट नहीं कर पाया तो इस मेथड से जो मेथड ऑफ कांस्टेंट स्टमलाई है इस प्रकार से हम इसको इस इससे इससे भी हम एप्सोलूट थ्रेशोल्ड को डिटरमाइन करते हैं यानी निर्धारित करते हैं परंतु जो इसका मैंने जैसा पहले भी आपको बताया कि इसका एक जो ड्रॉबैक है वो है इसका अत्यधिक समय लेना और बहुत ज़्यादा एफर्ट लेना तो इस कारण से हमारे तीनों ही विधियाँ एक तरह से उनका इस्तेमाल होता है और उनको हम उपयोग में लाते हैं बस वो इस बात पर निर्भर करता है हमारा निर्णय कि कौन सी विधि का उपयोग हम करेंगे जैसी हमको एक्यूरेसी चाहिए जैसी इफेक्टिवनेस हमको चाहिए जिस पिन पॉइंट लेवल तक हम चाहते हैं कि हम एरर को रिड्यूस कर सकें या हटा सकें उसी हिसाब से हम अपनी विधि का चयन करते हैं इसके बाद आइए आगे बढ़ते हैं और हम अपने अगले टॉपिक की तरफ जो है डिफरेंस थ्रेशोल्ड और डिफरेंस थ्रेशोल्ड की जो अवधारणा है या जो इसका कॉन्सेप्ट है वो ये है कि ऐसा कौन सा वो पर्टिकुलर लेवल है स्टूमलस का उनके बीच का वो कौन सा एक डिफरेंस है जब किन्हीं दो स्टूमलस के बीच में हम जस्ट उसका अंतर कर पाएं कि एक समय में एक पर्टिकुलर स्टूबलस है और एक दूसरा स्टुम्बलस है सपोज स्टुम्बलस ए और स्टूमलस बी और ये दोनों ही स्टुम्लस काफी नज़दीक हैं एक दूसरे से एकदम हम ये कह सकते हैं कि दोनों एक दूसरे से काफी नज़दीक हैं और इस वजह से इनमें कोई अगर अंतर है और हम उसको अगर डिटेक्ट कर पा रहे हैं तो वो जो बिल्कुल मामूली अंतर है जिसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं इन दोनों के बीच का उसको हम कहते हैं जस्ट नोटिसबल डिफरेंस यानी वो अंतर जिसको हम जो बिल्कुल मामूली है बहुत ही छोटा है परंतु हम उसे जस्ट यानी कि किसी तरह से उसको हम डिटेक्ट कर पा रहे हैं और ये बता पा रहे हैं कि जो ए स्टूम्लस है वो बी स्टूमलस से भिन्न है यानी इन दोनों में कुछ अंतर है इसका उदाहरण अगर हम आपको एक प्रस्तुत करें आम जीवन से अगर हम इसको लें तो जैसे खाना बनाते वक्त हम लोग उसमें नमक डालते हैं और नमक डालने के बाद कई बार हमारे अंदर ये इच्छा होती है कि हम उसका नमक टेस्ट करें और नमक को टेस्ट करते वक्त हम उसको थोड़ा सा निकाल के हल्का सा उसको चखते हैं ताकि हम ये पता कर सकें कि इसमें जो नमक की मात्रा है वो पर्याप्त है या नहीं है तो ऐसे में कई बार जब हमें ये एहसास होता है कि इसमें जो नमक की मात्रा है वो बड़ी हमारे हिसाब से थोड़ी कम है तो हम चाहते हैं कि अब हम इसको थोड़ा सा बढ़ा दें तो उसके बाद हम उसमें हल्का सा नमक और डालते हैं और उसके बाद हम कोशिश करते हैं या प्रयास करते हैं कि पुनः उसको हम टेस्ट करें और उसके बाद हम ये कहीं ना कहीं महसूस करते हैं कि वो जो एक डिफरेंस था यानी जो पहली बार हमने जो टेस्ट किया और जो दूसरी बार हमने टेस्ट किया वो कहीं ना कहीं उतना ही है या कुछ उससे बदला है या जैसा हम चाह रहे थे हमारी अपेक्षा के अनुसार तो हम उसमें तब तक वो नमक डालते रहते हैं या उसको ऐड करते हैं जब तक कि वो हमारे हिसाब से हम ये ना माने कि जो पहली बार हमने जो टेस्ट किया था उसको दूसरी बार जो हमने आखिरी बार जो टेस्ट किया है उसमें और उसके बीच में एक अंतर है और उस अंतर को हम नोटिस कर पा रहे हैं हालांकि इस प्रकार के उदाहरण में एक छोटा सा एक फ्लॉ है जिसको हमें यहाँ समझना होगा कि ऐसे में वो नमक जो पहली बार जो उसको चखा गया और जो आखिरी बार चखा गया उन दोनों के बीच में अगर दो या तीन बार नमक को जोड़ा गया या उसमें या डाला गया तो यहां पर हमें यह समझना होगा कि जो अंतिम बार जो नमक डाला गया केवल वही हमारे उस यानी कि जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस को पैदा करने के लिए वहां पर केवल वो आखिरी बार डाला गया नमक ही महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि वो जो तीनों बार जो नमक डाला गया यानी अगर दो या तीन बार भी डाला गया तो उन सभी को अगर हम जोड़ दें तो वो जो डिफरेंस आया उसकी वजह से जो पहली बार जो नमक की मात्रा थी और जो रिजल्ट जो आया हमारे पास फाइनल जो नमक की मात्रा है उसमें वो जो बीच में जितना भी नमक जोड़ा गया वो कहीं ना कहीं वो उस मात्रा को निर्धारित करता है कि पहली बार जो टेस्ट हमने किया और आखिरी बार जो टेस्ट किया उन दोनों में जो अंतर आया जिसको हम जस्ट हमने उसको नोटिस किया वो डिफरेंस यानी वो अंतर दोनों में जिसको हम बहुत ही मामूली स्तर पे लेकिन पहचान गए तो वो अंतर उस पूरे जो एडिशन ऑफ सॉल्ट हुआ उसकी वजह से हम उसको पहचान पाते हैं इसके साथ ही साथ यहां पर एक और एक और महत्वपूर्ण बात है जो इससे जुड़ी हुई मैं आपको बताना चाहता हूं और वो ये है कि हमारे लिए बहुत सारे ऐसे स्टूमलस जो हमारे सामने आते हैं जिनकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है और जब उनकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है तो ऐसे स्टूमलस यानी बहुत हाई इंटेंसिटी के जो स्टूमलस होते हैं उनके बीच में जब हमें अंतर करना होता है तो उनके बीच में जब बहुत बड़ा अंतर होता है तब जाकर के हम उसे नोटिस कर पाते हैं यानी वहाँ पर जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस को हासिल करने के लिए या उस स्तर तक पहुँचने के लिए भी हमें उद्दीपक का एक एक बहुत बड़ा चेंज यानी वहाँ पर जो चेंज हमें देखना होगा दोनों स्टूमुलस के बीच वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए जबकि जो बहुत छोटे स्टूमलस हैं बहुत छोटे स्टूमलस की अगर हम बात करें तो उन छोटे स्टूमलस में इस प्रकार का जो जो अंतर आता है वो बहुत मामूली अगर अंतर भी होता है तो हम उसको पहचान सकते हैं यानी अगर इसका उदाहरण हम अपने जो हमारी शारीरिक सेंसेशन है अगर उससे हम इसको जोड़ कर देखें और समझना चाहें तो जैसे हम टेम्परेचर के अंदर जो हमारे बदलाव आते हैं उसको हम बहुत ही मामूली स्तर पर उसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं यानी कि हमारा शरीर इतना सेंसिटिव है हमारी जो स्किन है जो टेम्परेचर को यूँ कह लीजिए कि उसके अंतर को रिसीव करती है या उसको 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 सेंस करती है वो इतनी ज़्यादा सेंसिटिव होती है कि इवन अ चेंज ऑफ लेस देन वन फेरनाइट यानी एक फेरनाइट से भी कम का जो टेम्परेचर डिफ़रेंस है उसको हम डिटेक्ट कर पाते हैं तो ये हमारी क्षमता है और जबकि उसी जगह पर हम देखें तो साउंड की जो पिच है उसमें बहुत मामूली भी अंतर जब आता है और ख़ास करके उस उसका उपयोग ऐसे व्यक्ति करते हैं जो म्यूज़िक में रुचि रखते हैं संगीत में उनकी किसी वाद्य यंत्र में उनकी रुचि होती है और जब वो उसकी ट्यूनिंग करना चाहते हैं कि हमें हमारा ये यंत्र है इसका जो आवाज़ निकल रही है वो किस प्रकार की है तो जब वो उसकी ट्यूनिंग करते हैं तो उसमें उनकी ये जो सेंसिटिविटी है जहाँ पर कि वो जस्ट उसको नोटिस करते हैं कि यहाँ पर वो डिफरेंस आ रहा है तो वो वहाँ पर उनके लिए सहायक होती है हालाँकि इसके अलावा कुछ ऐसी भी हमारे स्टूबलस हैं जिनको कि हम बहुत ज़्यादा उनके लिए हमको जब तक अंतर नहीं आता यानी कि उन स्टूमलस में जब तक हमें एक बहुत बड़ा चेंज नहीं होता हम उनको डिटेक्ट नहीं कर पाते फॉर एग्जाम्पल जैसे लाउड नॉइज़ या लाउड म्यूज़िक की जब हम बात करें तो जब तक वहाँ पर कोई बड़ा बदलाव यानी कि स्टूमलस में कोई बड़ा डिफरेंस नहीं होगा हम उसको नोटिस नहीं कर पाते या उसको नोटिस कर सकने की क्षमता हमारे अंदर नहीं होती ठीक इसी प्रकार से हमारे अंदर स्मेल को भी बहुत ज़्यादा जब तक कि उसके अंदर वेरिएशन ना हो हम उसको डिटेक्ट नहीं कर पाते तो इस तरह के कुछ जो हमारे सेंसेशन के जो प्रोसेस हैं उसमें उस उसका नेचर भी ये डिपेंड करता है उस पर ये डिपेंड करता है कि, कि किस स्तर का यानी किस लेवल का चेंज होगा तो हम उसे डिटेक्ट कर पाएंगे या या हमारी क्षमता के वो अगर बाहर है और या फिर वो हमारी क्षमता के अंदर है तो ये उसके नेचर ऑफ स्टमस पर भी डिपेंड करता है इसके बाद एक और अवधारणा है जो सेंसेशन यानी संवेदना से जुड़ी हुई है और उसकी भी हम यहाँ चर्चा करेंगे एंड दैट इज स्टमली बिलो थ्रेशोल्ड यानी कि एक ऐसा उद्दीपक जो थ्रेशोल्ड के नीचे है और फिर भी क्या हम उसको परसीव कर पाते हैं या क्या हम उसको सेंस कर पाते हैं तो ऐसे में एक बहुत ही शुरुआती स्टडी हुई और वो उस कॉन्सेप्ट को कहते हैं सबलिमिनल परसेप्शन यानी कि उसमें हम उस मिनिमम थ्रेशोल्ड से भी नीचे के इस को हम रजिस्टर कर पाते हैं या उसको हम ग्रहण कर पाते हैं तो इस तरह का जो परसेप्शन है उसको सबलिमिनल परसेप्शन कहा गया और इसका इसका एक बहुत ही रोचक एक स्टडी हुई थी इसके बारे में वो मैं आपको यहाँ पर उसका जिक्र करता हूँ कि सन 1950 के आसपास एक एग्जीक्यूटिव थे उन्होंने अपने किसी इंटरव्यू में ये कह दिया कि हमने एक बहुत ही फेमस मूवी को उसके जब हम उसके एड बीच में जो इंटर इंटरवल होता है उसके बीच में हमने एक इस तरह का एक पर्टिकुलर स्टूमुलस डाला है जो कि यूं तो आप उसको पूरी तरह से डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे परंतु वो आपके ऊपर एक छाप छोड़ जाएगा यानी कि कहीं ना कहीं वो आपको प्रभावित करेगा और आप उससे पूर्ण रूप से आप उसके लिए अवेयर भी नहीं हो पाएंगे और आपको ये समझ नहीं आएगा कि आपको ऐसा कुछ दिखाया गया या आपको ऐसा कुछ सजेस्ट किया गया परंतु आपके अंदर वो एक एक स्तर पर जाके रजिस्टर हो जाएगा और उस कारण से आप और वो पर्टिकुलर जो स्लोगन वहाँ पर जो फ्लैश किया गया अकॉर्डिंग टू उनके जो उन्होंने बताया कि ड्रिंक कोक एंड ईट पॉपकॉर्न इस तरह का उन्होंने स्लोगन जो था उसको फ्लैश करवाया था ऐसा उनका दावा था शुरू में हालांकि इस पर बाद में काफ़ी उनको इसकी वजह से काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा और ये जो ये जो उन्होंने दावा किया था इसको बाद में उन्होंने वापस भी लिया और इसमें कोई सच्चाई भी नहीं थी ये पाया गया कि केवल उन्होंने एक पब्लिसिटी स्टंट के तौर पे इसको प्रस्तुत कर दिया था हालांकि ये जो सबलिमिनल परसेप्शन की जो ये घटना है और जितने लोगों ने उस दौरान इसको महसूस किया था उनका काफ़ी लोगों का ये दावा था कि नहीं हमने वास्तव में इस तरह का कुछ देखा था तो लोगों में मिली प्रतिक्रिया थी कि क्या वो इस तरह की उनकी जो जो उन्होंने उसके बाद उनसे जब संपर्क किया गया तो उन्होंने ये बताया कि कुछ ने कहा कि हाँ हमने इस प्रकार का कुछ हमें ऐसा लग रहा है कि हमने देखा था और कुछ ने कहा कि नहीं हमें नहीं लगता है कि हमने ऐसा कुछ देखा था तो इस प्रकार से इस पर एक काफ़ी एक हम कह सकते हैं कि इस पर काफ़ी चर्चाएं हुई और काफ़ी इस पर बहस भी हुई कि इस प्रकार का कोई गतिविधि होनी चाहिए या इसके क्या परिणाम हो सकते हैं उसके बाद विजुअल प्राइमिंग का भी इस पर आगे चल के काफ़ी शोध हुए जो कि जो कि यहाँ पर अभी यहाँ पर हमारे लिए उसका ज़िक्र करना अभी उतना ज़रूरी नहीं है परंतु ये कि ये अवधारणा के तौर पे इसका एक एक छोटी सी समझ हमें यहाँ पर उसको उसकी चाहिए थी इसलिए मैंने आपका इस यहाँ पर उसका जिक्र किया इसके अलावा एक और जो हमारे सेंसेशन से जुड़ा हुआ एक और महत्वपूर्ण एक बिंदु है वो है सेंसरी एडेप्टेशन का यानी संवेदी अनुकूलन का और निरंतर हमारे जब भी हम किसी स्टुम्बलस के जब भी हम उसके संपर्क में आते हैं और उसके अंदर जब कोई बदलाव होता है अभी तक हमने उसी की बात की कि अगर उसके अंदर कोई बदलाव हुआ तो हम उसे डिटेक्ट कर पाते हैं और यदि उसके अंदर कोई बदलाव नहीं हुआ तो हम उसको डिटेक्ट नहीं कर पाते लेकिन क्या हो अगर हमारा वो स्टूम्लस हो वो बदल ना रहा हो समय के साथ यानी उसकी मात्रा वही रहे स्टूम्लस इज़ नॉट चेंजिंग उसका जो अमाउंट है जो इंटेंसिटी है वो बदल नहीं रहा है समय के साथ तो ऐसे में क्या होगा तो ऐसे में हमारा शरीर या हमारे जो सेंस ऑर्गन्स हैं वो उसके अनुसार अडेप्ट कर जाते हैं यानी वो उसकी मौजूदगी को उसके मौजूदगी के एहसास को कुछ हद तक के लिए या यूं कहें कि उसको अपने आ, लाइव यानी हमारे कॉन्शियसनेस में वो नहीं आता है और इसके उदाहरण के तौर पे जैसा मैंने शुरू में भी जिक्र किया था कि हमारे बॉडी में ही जो कपड़े हम पहनते हैं वो लगातार हमें सेंसेशन उससे टच का हमें मिलता है फिर भी चूंकि वो हमारे लिए एक कॉन्स्टेंट यानी कि एक लगातार होने वाला एक सेंसेशन है और उसमें कोई बदलाव नहीं हो रहा है किसी प्रकार का समय के साथ तो वो हमारे लिए हम कहीं बहुत हद तक उसके उसे अडेप्ट कर जाते हैं या यूं कहें कि एक तरह से हम इनसेंसिटिव हो जाते हैं और उसको हम इग्नोर कर पाते हैं आसानी से ठीक उसी प्रकार से जैसे हमारे माउथ में हमारी जो टंग है जो जीभ है उसकी मौजूदगी हम अपनी जीभ की मौजूदगी को महसूस कर सकते हैं परंतु हम उसको अपने मुंह के अंदर चारों तरफ उसको टच करते हुए यदा कदा ही महसूस करते हैं क्योंकि उसके भी जो कांस्टेंट सेंसेशन है उससे हम एक तरह से अडेप्ट कर चुके हैं इसी प्रकार से और भी बहुत सारी और इसका एक उदाहरण अगर हम लाइव उदाहरण समझने का प्रयास करें तो कभी यदि आप बहुत ऐसी किसी जगह पे गए सप मान के चलिए कि आप कहीं कहीं घूमने गए हैं वहाँ पर एक नदी पर आप या तालाब के किनारे पहुँचते हैं और वहाँ का पानी बहुत ठंडा है तो ऐसे ठंडे पानी में शुरुआत में जब आप उतरते हैं तो आपको लगता है कि ये पानी का जो ठंडापन है वो आपसे बर्दाश्त नहीं होगा या वो बहुत ज़्यादा है आपके लिए परंतु कुछ समय वहाँ पर बिताने के बाद आप एक ऐसे एहसास की तरफ पहुंच जाते हैं जहां पर आपको ये लगने लगता है कि नहीं अब हम इस तरह की जो सेंसेशन है ये अब हमें किसी भी प्रकार से कोई प्रभावित नहीं कर रही है या हमें कोई कष्ट नहीं पहुंचा रही है तो ये इसी प्रक्रिया के कारण होता है क्योंकि हम एडेप्ट कर जाते हैं उस तरह के सेंसेशन से और चूंकि स्टूबल्स में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं हो रहा होता है इसलिए हमारा जो एडेप्टेशन की प्रक्रिया है वो पूर्ण हो जाती है और उसके बाद हम उससे प्रभावित नहीं होते इसके साथ ही साथ सेंसरी एडेप्टेशन से जुड़ी हुई एक और रोचक बात है जो आपको यहाँ जाननी चाहिए और वो ये है कि सेंसरी अडेप्टन हमारे लिए ज़रूरी तो है कई बार हमें चूँकि तमाम स्टूबल्स जो आ रहे हैं उसमें बदलाव भी हो रहे हैं और कई बार वो स्टूमलस कॉन्स्टेंट रहते हैं तो ऐसी अवस्था में हमें केवल उन स्टूम्लस पर ध्यान देना चाहिए जो कि लगातार उनमें कुछ बदलाव हो रहा है क्योंकि वो हमारे लिए कुछ पोटेंशियल जानकारी लेके आते हैं और वो कई बार हमारे सर्वाइवल के लिए भी ज़रूरी होते हैं हालाँकि एक एक उदाहरण इसके विपरीत भी जाता है क्योंकि अगर हम स्मेल की बात करें तो स्मेल के साथ हमारे ये हमारी क्षमता में इसका इस तरह से उपयोग होता है सेंसरी एडेप्टन में कि एक बार अगर हमें कोई स्मेल मिली तो अगली बार कुछ समय के लिए या जब तक कि उसमें कोई बहुत बड़ा बदलाव ना हो हमारी जो उसको स्मेल करने की क्षमता है उसमें 70 प्रतिशत की गिरावट आ जाती है और वो सेंसरी अडेप्टन की वजह से होती है और इस कारण से कई बार ऐसा होता है कि यदि हम किसी पॉइजनस गैस या किसी ऐसी प्रदूषित जगह पे हम कहीं किसी स्मोक के अगर एक्सपोज होते हैं यानी हम ऐसी किसी अवस्था में ऐसी किसी जगह पर पहुंचते हैं तो हमारी सेंसिटिविटी कम हो जाने की वजह से यानी सेंसरी एडेप्टेशन की वजह से कई बार हम उसको भाप नहीं पाते जो कि हमारे लिए खतरा उत्पन्न कर सकता है हालांकि इस प्रक्रिया के अपने फ़ायदे नुकसान दोनों हैं तो ये एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो संवेदना से जुड़ी हुई है अब आइए हम आगे अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और सेंसेशन के एक प्रमुख जो एक आप कह लीजिए कि एक ऑर्गन है जो कि ह्यूमन आई है यानी मानव आँख हम उसके बारे में चर्चा करेंगे उससे जुड़े हुए कुछ तथ्यों तथा कुछ सिद्धांतों की भी चर्चा करेंगे सर्वप्रथम हम मानव आँख की संरचना के बारे में कुछ समझने का प्रयास करेंगे यहाँ पर तो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं मानव आंख में ये जो पॉइंट है और ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है जो कि बाहर मौजूद है और ये ऑब्जेक्ट की जो इमेज अंदर बन रही है वो इमेज इन्वर्टेड भी है और अपोजिट भी है तो इस तरह से बाहर जो हमारे एक ऑब्जेक्ट है उसकी जो इमेज पड़ रही है हमारे रेटिना पे वो कैसी बन रही है वो इन्वर्टेड भी है और अपोजिट भी है तो इसके साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण जो आई स्ट्रक्चर की यानी आँख की संरचना के जो कुछ महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स हैं या जो उसके पार्ट्स हैं उनके बारे में भी हम लोग यहाँ थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं सर्वप्रथम हम समझेंगे कॉर्निया को कॉर्निया एक ऐसा पार्ट है जो कि जिसमें से कि लाइट जो है दैट इज़ एंटरिंग आवर आई तो कॉर्निया एक ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर है यानी एक पारदर्शी एक ऐसी लेयर है जिसके अंदर से लाइट रेज यानी कि रोशनी वो आँखों में एंटर करती है तो ये एक कर्व्ड स्ट्रक्चर है बेसिकली एक कर्व्ड लेयर है जो कि ट्रांसपेरेंट भी होती है इसके साथ ही साथ जो अगला महत्वपूर्ण इसमें एक पॉइंट है दैट इज प्यूपिल और प्यूपिल में प्यूपिल जस्ट कॉर्निया के पीछे लोकेटेड होता है और प्यूपिल से हमारी आइज़ के अंदर जो प्यूपिल भी एक प्रकार से हमारे एक लेयर होता है ट्रांसपेरेंट जो कि जिसमें से कि हमारी आइज़ में लाइट एंटर करती है और इस प्यूपिल को जो कि हमारी आइज़ में जो लाइट एंटर कर रही हैं उसको यहाँ पर किस अमाउंट में लाइट एंटर करेगी उसको प्रभावित करती है आयरिस और आयरिस ही आई का जो कलर्ड पार्ट होता है वो आयरिस से ही मिलता है यानी जो आंखों का जो अलग अलग कलर हमें दिखता है उसके लिए आयरिस जिम्मेदार होता है और आयरिस ही प्यूपिल के साइज़ को घटाता बढ़ाता है यानी उसको कॉन्स्ट्रिक्ट करता है और उसको डायलेट करता है यानी कि उसको सिकोड़ना और इसको फैलाना ताकि किस मात्रा में किस अमाउंट में लाइट अंदर जाएगी हमारी आँख के ये हमारा आयरिस निर्धारित करता है और इसके साथ ही साथ एक और महत्वपूर्ण तो अंग है और वो है लेंस लेंस हमारी आंख में जस्ट प्यूपिल के पीछे मौजूद होता है और लेंस का रोल यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि लेंस की काबिलियत ये है या उसका कार्य ये है कि वो बाहर से आ रही रोशनी को उसको पहले इस प्रकार से बेंड करता है इस प्रकार से उसको मोड़ता है ताकि वो जा करके सीधा रेटिना पर फोकस करे और रेटिना पर उसका फोकस होगा तभी वहाँ पर इमेज फॉर्मेशन होगा तो लेंस का जो सबसे इम्पॉर्टेंट या महत्वपूर्ण रोल है वो ये है कि जो लाइट रेस बाहर से आ रही हैं उसको इस प्रकार से बेंड करना ताकि वो सीधी जाकर के रेटिना पर पड़े इसके अलावा आ, हमारे इस आंख की संरचना में एक और महत्वपूर्ण बिंदु है और वो है रेटिना। और रेटिना जो कि हम यहां देख सकते हैं और रेटिना हमारे आई के एकदम ऑलमोस्ट लास्ट पार्ट में यानी बिहाइंड एकदम आखिरी पार्ट में मौजूद होता है और इसका जो साइज है वो लगभग लगभग हम लगभग हम ये मान सकते हैं कि वो एक पोस्टेज स्टैंप पोस्टेज स्टैंप के साइज का होता है रेटिना और रेटिना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि रेटिना के अंदर दो फोटोसेंसिटिव सेल्स मौजूद होते हैं जिसमें एक का नाम है रॉड और दूसरे का नाम है कोन यानी कि रेटिना के अंदर एक मौजूद है रॉड और एक मौजूद है कौनस ये दो तरह के फोटोसेंसिटिव सेल्स मौजूद होते हैं और रॉड्स एंड कौंस हमारे जो भी लाइट एनर्जी आ रही है एक्चुअल में उसको रिसीव करने की क्षमता रॉड्स एंड कॉन्स में ही होती है और इसमें से रॉड्स और कौन्स में कौन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर विजन यानी कि जो कौंस हैं हमारी वही हमारे जो रंग का हमको जो आभास होता है या जो उसका हम जो कर पाते हैं सेंसेशन वो दैट इज बिकॉज ऑफ कॉन्स वो कॉन्स की वजह से होता है और इसके साथ ही साथ फोबिया एक ऐसा पॉइंट है जो कि रेटिना पर ही मौजूद होता है किंतु फोबिया के हम यू कह लें कि फोबिया पे सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन कोन्स का होता है और यूं कह लें कि 95 परसेंट जो कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्स है दैट इज ऑन फोबिया इस पर्टिकुलर पॉइंट पर मौजूद होता है और साथ ही साथ फोविया से जितना हम दूर होते जाएंगे उतना ही कॉन्स की संख्या कम होती जाएगी और रॉड्स की संख्या बढ़ती जाएगी और इसके अलावा रॉड्स एंड कॉन्स जब किसी भी एनर्जी को लाइट एनर्जी को जब रिसीव करते हैं और उसके बाद वो उसका ट्रांसडक्शन करते हैं और उसको न्यूरल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं तो उसके बाद वो सूचना आगे जाकर बाईपोलर न्यूरॉन्स में पहुंच जाती है और वो बाइपोलर न्यूरॉन्स उस सूचना को आगे प्रेषित करते हैं और उसको हम कहते हैं गैंग्लियन सेल्स तो गैंग्लियन सेल्स और बाइपोलर सेल्स यानी कि रॉड एंड कॉन्स पर जो सूचना हमें मिली वो फिर बाइपोलर सेल्स पर पहुंचती है और वो उसको फर्दर ट्रांसफर करते हैं गैंग्लियन सेल्स पे तो इस प्रकार से हमारा जो ये एक पूरा हम यूं कह लें कि ये क्रम है यहां पर ये जो गेंग्लियन सेल्स हैं उसका जो एक्सॉन जो उसके एक्सॉन्स हैं ये उसका स्ट्रक्चर है उसमें एक एग्जॉन एक पार्ट होता है तो एक्सॉन्स का एक गुच्छा वहां, वहां से वहां से एग्जिट करता है और वो आई से एग्जिट करके वो फाइनली पहुंचता है हमारे विजुअल कॉर्टेक्स तो वो जो पॉइंट है जहां पे हम इसको देख सकते हैं ये जो ये पॉइंट है जिसको कि यहां पर ब्लाइंड स्पॉट की तरह दर्शाया गया है तो ये ब्लाइंड स्पॉट जो है उस ब्लाइंड स्पॉट को इसलिए इसका नाम ऐसा रखा गया है क्योंकि यहाँ पर रॉड्स और कोन्स की संख्या बिल्कुल नदारद होती है यहाँ पर फोटो सेंसिटिव सेल्स नहीं मौजूद होते और इस वजह से कोई भी रोशनी यानी कोई भी लाइट अगर इस पॉइंट पर पड़ेगी तो वहाँ पर उसका किसी भी प्रकार से कोई रिसीविंग नहीं हो पाएगी और इस वजह से कोई भी इमेज फॉर्मेशन नहीं होगा तो इस वजह से इस पॉइंट को ब्लाइंड स्पॉट भी कहते हैं और इसके बाद ये नर्व जो यहां से एग्जिट कर रही है उसको ऑप्टिक ऑप्टिक नर्व भी कहते हैं और ये फाइनली उस सूचना को जो न्यूरल एनर्जी में कन्वर्ट हो चुकी है उस सूचना को ये फाइनली हमारे विजुअल कॉर्टेक्स तक जो कि ब्रेन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जिससे हम जो भी इमेज आई है और यहाँ पर एक और रोचक बात है कि जो सूचना हमें यहाँ पर देखिए जो इमेज बनी है रेटिना पर जो कि इन्वर्टेड भी है और अपोजिट भी है उसको जब ये सूचना मस्तिष्क में पहुंचती है तो मस्तिष्क इसको पुनः सीधा कर लेता है और इसीलिए जो चीज़ हमें जो भी बाहर हमें वस्तु दिखती है वो हमें सीधी दिखती है तो हमारी आइज़ उसको एक्चुअली में जो उसकी इमेज फॉर्म करती है वो नेगेटिव मतलब उल्टा करती है लेकिन हमारा ब्रेन उसको अगेन उसको सीधा करके परसीव करता है तो इस प्रकार से ये हमारी आई की संरचना है अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी चर्चा को हम अब आगे बढ़ाते हुए जैसा हमने अभी मानव आंख की संरचना का यहाँ पर अभी एक अध्ययन किया उसको समझने का प्रयास किया अब उसके बाद हम मानव दृष्टि से जुड़े हुए कुछ और तथ्य हैं जिनको हम यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे और उसमें हम ये सबसे पहले ये देखें कि जो हमारे मानव दृष्टि है उसके लिए जो भौतिक उद्दीपक है उसका जो फॉर्म है यानी जो फिजिकल एनर्जी जिसको जो हमारे आइज के लिए जो जो जिसको वो रिसीव करती हैं वो है लाइट यानी रोशनी और रोशनी के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स यानी लाइट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कुछ गुण हैं जिन्हें हमें यहाँ थोड़ा सा उस पर समझना या उसकी एक समझ विकसित करनी होगी और उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण उसका कैरेक्टरिस्टिक है वो है वेव यानी कि अगर इसको हम एक चार्ट पर देखें तो वेव इस प्रकार से जो जाती है और वो फिर वापस इस तरह से आती है तो जो उसके जो दो पीक्स हैं यानी उसकी जो दो पीक्स हैं जब इस तरह का चार्ट हम ड्रॉ करते हैं तो उसमें जो दो पीक्स हैं इसको हम इस प्रकार से समझें तो ये जो पीक्स हैं आपके ये इसके बीच की ये जो दूरी है इसको हम कह सकते हैं ये वेवलेंथ है तो वेवलेंथ में ये जो दूरी है इसको हम यहाँ पर यह कहेंगे कि ये जब 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर तक ये जो वेवलेंथ है ये होती है केवल उतना ही जो लाइट का जो स्पेक्ट्रम है वो हमारे लिए विजिबल स्पेक्ट्रम है यानी केवल उतने ही भाग को हम देख पाते हैं या हमारी ह्यूमन आई केवल उसी का सेंसेशन कर पाती है साथ ही साथ इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है और वो है जिसको हम विपग्योर के नाम से भी जानते हैं वी आई बी जी वाई ओ आर जहां पर कि वी स्टैंड फॉर वॉयलेट सॉरी वी स्टैंड्स फॉर वॉयलेट एंड आई स्टैंड फॉर इंडिगो एंड बी स्टैंड्स फॉर ब्लू एंड जी स्टैंड्स फॉर ग्रीन एंड वाई स्टैंड फॉर येलो एंड ओ स्टैंड फॉर ऑरेंज एंड आर स्टैंड फॉर रेड तो ये जो तीन प्रकार की जो uh, जो वेवलेंस हैं यानी कि जो शॉर्टर वेवलेंथ्स हैं ये हमारे इन तीन कलर्स को रिप्रेजेंट करती हैं दैट इज़ फ्रॉम वायलेट टू ब्लू वायलेट इंडिगो एंड ब्लू और जो मीडियम रेंज की जो वेवलेंथ्स हैं वो रिप्रेजेंट करती हैं ग्रीन येलो और ऑरेंज को और जो हमारी कंपेरेटिवली जो लॉन्गर वेवलेंथ्स हैं वो रिप्रेजेंट करती हैं या वो वहाँ पर हमें परसेप्शन होता है जो सेंसेशन होता है वो है रेड कलर का रेड का तो इसी से हम जो भी वेवलेंथ है उससे हमें निर्धारित होता है कि हम कौन सा कलर हमें दिखेगा साथ ही साथ लाइट का यानी रोशनी का एक और इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होता है और वो है सेचुरेशन का सेचुरेशन का कॉन्सेप्ट ये है कि जब रोशनी में किसी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की उसकी उसका अमाउंट ज़्यादा होता है और जब हम उसको इस तरह की वेवलेंथ की जब वहाँ पर अधिकता होती है तो जो कलर हमें दिखता है वो बहुत ही सेचूरेटेड दिखता है यानी वो पर्टिकुलर कलर हमें बहुत ही उभर के या निखर के दिखेगा जैसे उदाहरण के तौर पे अगर हम देखें तो एक जब सेब को हम अगर देखें तो मार्केट में आप देखेंगे कई प्रकार के सेब मिलते हैं उसमें एक जो सेब होता है वो काफ़ी लाल होता है बहुत ज़्यादा रेड इसको हम कह सकते हैं रेड एप्पल और कई बार आप मार्केट में पिंक एप्पल्स भी देखेंगे एक पिंक एप्पल यानी पिंक एप्पल में जो उसकी जो सेचुरेशन है उसमें कई कई सारी वेबलेंस का मिश्रण है इस वजह से वो हमें पिंक दिखाई देता है जबकि जो रेड एप्पल है उसकी अंदर सबसे ज़्यादा जो वेब हैं वो रेड वाली वेबलेंस हैं इसलिए उसके अंदर उस पर्टिकुलर कलर का सेचुरेशन बहुत ज़्यादा है और इसीलिए हमें वो एकदम डार्क रेड दिखाई देता है इसी के साथ साथ अगला जो एक महत्वपूर्ण हमारे दृष्टि का एक जो कार्य है उसको हम कहते हैं कि दृष्टि की तीक्ष्णता यानी विजुअल एक्विटी और विजुअल एक, एक्विटी से हमारा तात्पर्य यहाँ पर ये है कि ऐसे वो कौन सी जब हम जब हम कोई भी चीज़ उसको देखते हैं या उसका हम सेंसेशन करते हैं विजुअल सेंसेशन करते हैं यानी जो विज़न का प्रोसेस है उसमें हमें जो भी वस्तु दिख रही है उसकी कितनी फाइन डिटेल्स यानी उसको किस बारीकी से हम देख पा रहे हैं उसकी फाइन डिटेल्स में जब हम उसका सेंसेशन करते हैं या उसका विजन हमें प्राप्त होता है तो वो हमारी विजुअल एक्विटी को निर्धारित करता है और विजुअल एक्विटी इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जब हम फाइन डिटेल्स में चीज़ों को देखते हैं और समझते हैं तो उसमें हो रहे अंतर को हम समझ पाते हैं और उसके अनुसार फिर हम अपने जो कार्य हैं या जो अपने जो भी हमारे डिसीजंस हैं एक्शंस हैं उसके अनुसार हम उनको कर पाते हैं इसमें दो आ, दो अलग अलग तरह की एक्विटीज हैं एक है स्टैटिक विजुअल एक्विटी और दूसरी है डायनामिक विजुअल एक्विटी स्टैटिक विजुअल एक्विटी में हम ऐसी चीज़ों का प्रत्यक्षण करते हैं या ऐसी चीज़ों का सेंसेशन करते हैं जो कि एक जगह पर स्थिर है यानी ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम देखते हैं जो एक जगह पर स्थिर है और उनकी फाइनल डिटेल्स को हम समझते हैं जबकि दूसरी तरफ जब हम डायनामिक विजुअल एक्टिविटी की बात करते हैं तो ये ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि मूव कर रहे हैं या किसी तरह से वो एक जगह पर स्थिर ना होकर के अलग अलग जगह पर वो घूम रहे हैं और इसी में एक और कॉन्सेप्ट है वो है एंगुलर वेलोसिटी का और एंगुलर वेलोसिटी जब किसी भी ऑब्जेक्ट की बहुत ज़्यादा होती है तो हमारे लिए उसकी फाइनल डिटेल्स को समझ पाना यानी जो हमारी विजुअल एक्विटी है वो उससे प्रभावित होती है तो जब भी हम किसी ऐसी वस्तु के आ, समक्ष आते हैं जिसकी एंगुलर वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हो तो उसका थोड़ा सा विजन एक्विटी या विजुअल एक्विटी में हमें समस्या आती है तो इसके बाद एक और इससे संबंधित जो कॉन्सेप्ट है हमारे विजन से वो है निकट दृष्टि दोष का और दूर दृष्टि दोष का तो निकट दृष्टि दोष में उसमें मुख्यतः ये होता है कि जो लाइट रेज हमारे अंदर एंटर कर रही हैं आई के उनका जो जो उनको कन्वर्ज हो करके यानी बेंड हो करके जो उनको रेटिना पर पढ़ना था वो रेटिना पे ना पड़ के उससे थोड़ी पहले ही वो समाप्त हो जाती हैं या उसके पहले ही वो पहुंच पाती हैं इस वजह से हमें नज़दीक की चीज़ तो दिखाई देती है परंतु दूर की चीज़ें देखने में हमें धुंधलापन या तकलीफ होती है तो इसको हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं तथा दूर दृष्टि दोष में ठीक इसका विपरीत होता है जहां पर कि हम जो बाहर से जो बेंड हो रही है रोशनी वो रेटिना के ऊपर न पड़ के रेटिना के पीछे गिरती है जिस कारण से हमें नज़दीक की चीज़ें देखने में दिक्कत होती है उनको हम नहीं सेंस कर पाते उनका विज़न हमारे लिए मुश्किल होता है लेकिन दूर की चीज़ों को हम स्पष्ट रूप से देख पाते हैं हालांकि निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष को हम विद द हेल्प ऑफ स्पेक्टिकल्स यानी चश्मों की मदद से और आर्टिफिशियल जो लेंसेज हैं उनकी मदद से हम इसको सुधार कर सकते हैं बहुत हद तक और इसके लिए फिर अलग प्रकार के प्रावधान हैं और आ, इसके बाद हम कुछ और चर्चा करेंगे जो मानव दृष्टि से जुड़े कुछ और तथ्य हैं आ, जिसमें एक और आ, रोचक तथ्य है वो है डार्क एडेप्टेशन का यानी अंधकार नियोजन का और दूसरा है प्रकाश नियोजन का और अंधकार नियोजन में हम इसको इस प्रकार से समझें कि जब भी हम किसी आ, ऐसी जगह पर पहुंचते हैं जब हम काफ़ी रोशनी में हैं और अचानक से हम ऐसी जगह पर पहुंच जाएं जहां काफ़ी अंधेरा हो जैसे उदाहरण के तौर पे जब कभी हम सिनेमा हॉल में जाते हैं या ऐसे ही किसी जगह पर हम जाते हैं जहाँ जहाँ बाहर से जब हम पहुँचते हैं तो हम बहुत अधिक रोशनी वाली स्थिति से आते हैं और जब अचानक से हम ऐसी जगह पहुँच जाते हैं जहाँ पर पूरा पूर्ण अंधेरा हो या अंधकार हो तो ऐसे जगह में हमारा जो विज़न है वो काफ़ी देर तक प्रभावित रहता है और हमें एक लंबा समय लग जाता है अडेप्ट करने में परंतु कुछ समय के बाद अमूमन 20 से 25 मिनट के बाद यदि हम दोबारा उसको गौर से देखें तो हम उस जगह पर भी एक हमारा विज़न वो लौट आता है या यूं कह लें कि हम चीज़ों को फिर से देख पाने की स्थिति में होते हैं तो ये जो समायोजन होता है ये जो नियोजन है इसको हम डार्क एडेप्टन कहते हैं यानी जब हम रोशनी से अंधेरे की तरफ बढ़ते हैं तो हमारी आइज जो हैं वो अडेप्ट करती हैं और लेकिन ये थोड़ा एक लंबा प्रोसेस है चूँकि इसके लिए हमारे रॉड्स प्रभावी होते हैं और रॉड्स एक्टिवेट होने में थोड़ा कंपेरेटिवली ज़्यादा टाइम लेते हैं कौन से इस वजह से हमारी जो आ, आ, जो जो डार्क एडेप्टेशन का जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा स्लो है कंपेयर टू लाइट एडेप्टेशन का जो प्रोसेस है प्रकाश नियोजन और इसमें ठीक उल्टा यानी कि हम अंधेरे से रोशनी की तरफ आते हैं और जब हम अंधेरे से रोशनी की तरफ आते हैं तो हमारी आँखों को भी आप अक्सर ये महसूस करेंगे कि एक उसमें चौंधिया जाती हैं या ऐसे में हमारी आँखें अक्सर तुरंत एक्टिव ना होकर के बंद हो जाती हैं लेकिन इस प्रक्रिया में बहुत कम समय लगता है क्योंकि कोन्स बहुत जल्दी एक्टिव हो जाती हैं और वो तत्काल रूप से हमारे लाइट एडेप्टेशन को पूर्ण कर देती हैं और इसके बाद हम आसानी से चीज़ों को देख पाते हैं इसके बाद एक और जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो मानव आँख से यानी मानव दृष्टि से जो जुड़ा हुआ है विजन के प्रोसेस से और वो है ट्राईक्रोमेटिक सिद्धांत और इस सिद्धांत के अनुसार हम आ, हमारे अंदर तीन प्रकार के कौन्स मौजूद होते हैं इस सिद्धांत के अनुसार और वो तीनों ही कोन्स अलग अलग तरह की वेव को और उनको रिसीव करने के लिए स्पेशलाइज्ड होते हैं हालांकि इस सिद्धांत में भी ये कहा गया है बिकॉज आप यहाँ देखेंगे भी कि इसमें जो वेव का जो जो यहाँ पर आप देखिए ये ओवरलैपिंग है जो नीला जो कुछ जो कॉन्स हैं वो नीले को जब वो रिसीव करते हैं कुछ वो हैं कॉन्स वो हरा वेवलेंथ को रिसीव करते हैं और कुछ कॉन्स वो लाल को रिसीव करते हैं उसके बावजूद उनके वेवलेंथ में आप देखेंगे कि एक ओवरलैपिंग है और इसके कारण से इस ओवरलैपिंग के कारण से ये कॉन्स पूर्णतया ऐसा नहीं है कि ये एक्सक्लूसिवली केवल एक कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं बट हाँ ये एक जैसे ये जो कौनस नीले रंग को आ, को रिसीव करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं वो नीले रंग को ज़्यादा बेहतर तरीके से रिसीव करेंगे जबकि वो हरे रंग को और लाल रंग को उतने यूँ कह लीजिए कि उसको उतने बेहतर ढंग से उसको रिसीव नहीं करेंगे तो यानी कि वो कौनस पर्टिकुलरली नीले रंग के लिए ज़्यादा सेंसिटिव हैं और दूसरे तरह के कौनस हरे रंग के लिए ज़्यादा सेंसिटिव हैं और तीसरे तरह के कौनस लाल रंग के लिए ज़्यादा सेंसिटिव हैं तो ऐसी अवस्था में हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे कॉन्स जो तीन तरह की उनकी वैराइटीज़ हैं उसके कारण हमारा जो कलर का जो परसेप्शन है वो इसीलिए इतना अद्भुत और इतना रिच उसको हम कह सकते हैं कि इसीलिए हम इतने सारे कलर्स परसीव कर पाते हैं उसको उतनी डिटेल में हम देख और समझ पाते हैं तो आज हमने अपने इस लेक्चर में आ, कुछ तथ्य समझने का प्रयास किया जो कि संवेदना के प्रक्रियाओं से जुड़ा हुआ है सेंसरी प्रोसेसिस से जुड़ा हुआ है उनको हमने आज यहाँ पर चर्चा की और साथ ही साथ हमने यहाँ पर मानव आँख की संरचना और उससे जुड़े हुए कुछ तथ्यों की भी यहाँ पर आज उसका हमने अध्ययन किया तो अब इसके बाद प्रिय विद्यार्थियों अगले अपने सेशन में जो कि हम जो हमारा पाँचवा सत्र होगा उसमें हम और जो हमारे शेष जो सेंसेशन के जो जो हमारे और प्रक्रियाएं हैं जिसमें से कि आपका ऑडिट्री है यानी कि मानव कान की संरचना और उसके अलावा जो और हमारे सेंसेस हैं उनके बारे में भी, भी हम चर्चा करेंगे यानी कि जो हमारा अगला जो सत्र होगा उसमें हम आगे अपनी इस चर्चा को जारी रखते हुए उस पर भी बात करेंगे तो आज के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद